में है धड़कने, थक गई हूँ सोचते वो कल जरूर आएगी, आंसू से भीग कर मैं छुप रही यहाँ वहाँ, कोई न देख पाएगा अलिफ की तरह। बर्फ की मिसाल हूँ, रूप हूँ ख्याल हूँ, जमाल हूँ जलाल हूँ, हवाए लाजवाल हूँ, अलिफ की चाह मुझे अलिफ की पनाह में हूँ, खड़ी रहूँ डटी रहूँ अलिफ की तरह, अलिफ की तरह। उसके पास जाओ और पूछो, नहीं तो तुम्हारा बेटा कभी नहीं देगा तुम्हें। कुदरत कराए के हाथों हम बचते बचते फिर किसी ना किसी वजह से फंस जाते हैं। मौका मिला तो कुदरत कराए को मार डालूंगा, मार डालूंगा। मुझे मेडिसिन दो, मेरा यकीन करो, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। झूठ मत बोलो मुझसे, जल्दी बताओ मुझे कहाँ छुपाया है मेरा बेटा। बस 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 चलते हैं, चलते हैं, बस बस थोड़ी देर में चलते हैं बस। इब्राहिम बेटा आखिर कहाँ हो तुम? मेरा बेटा कहाँ है, कहाँ है इब्राहिम? जानवर हो तुम, जरा भी इंसानियत नहीं है, तुमने हम सबको बर्बाद करके रख दिया है। इतनी हैवानियत के लिए अल्लाह तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा, अपने गुनाहों की सजा जरूर पाओगे, तुम जहन्नुम में जलोगे, खुदा तुम्हें पूछे। चलो बाबा, मैं बाप होने का फर्ज अदा नहीं कर सका। ये ख्याल कैसे आ गया आपको सुबह सुबह? मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ बेटा, मैं तुम्हें बचपन से ही बहुत प्यार करता हूँ डेनिस बेटा। मैं थोड़ी देर तक जा रहा हूँ, मैं तुम्हें कभी खोना नहीं चाहता बेटा। कहाँ जा रहे हैं? सुनो बेटा, मैंने तुम्हें सब कुछ बताने में बहुत देर कर दी बेटा। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ बेटा। मगर जा कहाँ रहे हैं? मैंने अभी तुमसे बहुत सी बातें करनी है डेनिस बेटा। मैं तुम्हें कभी खोना नहीं चाहता। मेरे पोते को मेरी तरफ से बहुत प्यार करना, और मैं तुम्हारी माँ शनाई को भी बहुत चाहता हूँ। डेनिस बेटा, यहां तक के मैं तुम्हारी बीवी एलिफ को भी बहुत तस्लीम करता हूँ। पापा, कभी भी एक अच्छा बाप ना बन सका, बहुत गलत किया मैंने, बहुत गुनाहगार हूं। बाबा क्या हो गया है आपको? मैंने फैसला किया है कि अपने पोते को खुद तुम्हारे पास लेकर आऊं। बाबा क्या कह रहे हैं आप, कहां जा रहे हैं? कल शाम कैसे मिले थे आप? बाबा कुछ तो बताएं मुझे प्लीज। बाबा कहाँ जा रहे हैं? दरवाजा खोलो। मुझे माफ कर देना बेटा। बाबा मुझे भी कुछ बताएं कि आखिर आप जा कहाँ रहे हैं, खुदा के लिए। तुम्हें अल्लाह अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, हमेशा खुश रहो। बाबा, 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 बाबा अपने आप को नुकसान पहुंचाने की कोशिश मत कीजिएगा, आपको अल्लाह का वास्ता। बाबा,
बच्चा बिल्कुल तुम पर गया है, जैसे तुम इंजी के हाथों में थी। मैं इतना गुस्से में था कि मैं तुम्हें देखना भी नहीं चाहता था एलिफ। मेरी बात सुनो, जो करना है मेरे साथ करो, मेरे बच्चे को तकलीफ मत पहुंचाओ। मैंने तुम्हें किसी को दे दिया, वो मंजर नहीं भूलता मुझे, वो मंजर मेरी आंखों के सामने रहता है। काश कैसा मंजर अपनी आंखों से ना देख पाता मैं उसे भूल नहीं पा रहा हूं। मेरे बेटे को आखिरी बार कहां भेजा था, प्लीज आप मुझे बता दो, कहां भेजा था उसे, किसको दिया था, खुदा के लिए बताओ। एक प्यारी सी गुड़िया, नूर से भरी, किसी परी की तरह मुस्कुराती हुई। इब्राहिम के साथ क्या किया बता दो, क्या किया उसके साथ, कहां भेजा है उसे बताओ। एक प्लान बनाया मैंने। कौन सा प्लान? उसे एक जगह पर भेज दिया है मैंने। कहां भेज दिया है उसे? मैंने ये सब इसलिए किया एलिफ, क्योंकि मैं किसी से प्यार नहीं कर सकता, मैं किसी को खुशी नहीं दे सकता एलिफ। अभी भी देर नहीं हुई है, अब भी तुम अच्छा काम कर सकते हो। प्लीज मुझे मेरे बेटे का बता दो, खुदा के लिए। याद आया? हाँ, एड्रेस मेरी डायरी में है, मैंने सब कुछ उस डायरी में लिखा है एलिफ। कहाँ है, कौन सी डायरी? ये कहां से आ गया, अब मैं क्या करूं? पता नहीं मुझे। ठीक है, मैं ढूंढ लूंगी। मैं नहीं पता मुझे, याद नहीं आ रहा मुझे एलिफ। Thank you.
वाह 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 वाह, कुदरत कराए, तुम्हें ऐसे कांपते हुए देखकर बता नहीं सकता कितना खुश हो रहा हूं। लेकिन शायद तुम्हें तो कुछ भी याद ना हो। मेरी तरफ देखो। मैं याद हूं? हाँ याद आ गया। लगता है तुम्हें सब याद आ गया। याद है, हम इकट्ठे काम करते रहे हैं। तुमने मुझसे बहुत से घटिया काम करवाए। तुम क्या लेने आए हो यहाँ? हाँ? क्या लेने आए हो बताओ मुझे। तुम्हारा किस्सा खत्म करने आया हूँ, तुम्हें जहन्नम में पहुंचाने आया हूँ। क्या ख्याल है इस बारे में? हाँ? आ गया याद, आ गया याद मुझे। बताओ। तुम्हारा किस्सा खत्म करने आया हूँ, तुम्हें जहन्नम में पहुंचाने आया हूँ। क्या ख्याल है इस बारे में? हाँ? एलिफ, एलिफ, चुप, चुप हो जाओ। हाँ, कमांडर, तुम्हें बड़े कमांडर का बुलावा आया है। बहुत बड़ी सेरेमनी है, चलो चले। हाँ, बड़ा कमांडर, चलें क्या? आइए कमांडर, आइए आइए। गाड़ी तैयार है? तैयार है। आइए आइए कमांडर, आइए। आपको मैं सबसे पहले ऑफिस लेकर चलूंगा, वहां आप यूनिफॉर्म पहनेंगे और उसके बाद हम तकरीब में चलेंगे। आइए कमांडर। यूनिफॉर्म तैयार है ना? तैयार है कमांडर, तैयार है, चले आए। मैं अपना यूनिफॉर्म पहनूंगा। आप यूनिफॉर्म पहनेंगे और फिर कफन भी पहनेंगे। आइए कमांडर, आइए आइए, चलिए। ये यहाँ क्या कर रहे हैं? वो बहुत थके हैं कमांडर, सो रहे हैं। ये ड्यूटी में कोताही है, सजा दो इसे, सजा दो। जी कमांडर, इनको ऐसी सजा मिलेगी, ये अपने पैरों पर खड़े नहीं हो सकेंगे। ठीक है, चले। कमांडर, गाड़ी उस तरफ है, उधर ही चलते हैं सीधा। हाँ, ठीक है, जल्दी चले। कहाँ है वो, कहाँ रखी होगी? चलिए कमांडर, चलिए। हम कहाँ जा रहे हैं? कुछ बहुत ही स्पेशल है आपके लिए, आप खुश हो जाएंगे मुझसे। यानी इनाम चाहते हो? हाँ, आइए आप मेरे साथ चलिए। हाँ, वेरी गुड, चलिए। मैं आपके लिए दरवाजा खोलता हूँ। ये कुछ गाड़ियां मिली हैं, इनमें से तुम नहीं। बैठिए, जैसे आप जवानी में थे वैसे मजबूत हैं। अब आप बैठ जाइए। आप जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा कमांडर। होश करो, कुदरत कराए गायब है, जल्दी उठो। ये कहां लेके जा रहे हैं? नहीं रुक जाओ, जल्दी करो, हमें इनका पीछा करना होगा। कौन हो तुम? हाँ, कहाँ लेकर जा रहे हो मुझे? दुनिया के सबसे खूबसूरत शहर की सैर कराने लेकर जा रहा हूँ कुदरत कराए, तुम एंजॉय करोगे। मैं नहीं जाना चाहता, मुझे यहीं पर उतारो, उतारो। अब चुप करके बैठे रहो, ऐसे मत देखो मुझे। अब तुम्हें मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता। एक मिनट, तुम्हें पहचान लिया मैंने। संचार, तुम्हारी याददाश्त लौट आई? अगर उसे कुछ हो गया तो मुझे मेरा बच्चा नहीं मिल पाएगा। प्लीज गाड़ी तेज चलाओ, हमें उन्हें रोकना होगा।
मैं इस वक्त बहुत ज्यादा बीमार हूँ, तुम जानते हो ना, मुझे बहुत घबराहट हो रही है, देखो मैं मर जाऊंगा। तुम तो बहुत ही बेवकूफ हो मेरे दोस्त, क्या तुम नहीं जानते हम किसी पर रहम नहीं करते और ना ही अपने दुश्मन को छोड़ते हैं, भूल गए क्या? तुम्हें क्या मसला है मुझसे, क्या चाहते क्या हो तुम? तुम्हें अभी तक समझ नहीं आई, मुझे मेरा पोता चाहिए। क्या एलिफ की तरह उसे भी किसी को दे दिया है? हाँ, क्या किया, किसको दिया, कहाँ छुपा रखा उसे, बताओ मुझे। मुझे याद नहीं आ रहा। अच्छा तुम्हें याद नहीं आ रहा, तो अभी मैं याद करा देता हूँ तुम्हें। क्या कर रहे हैं ये, कुदरत को मार देंगे। जल्दी करो, हमें हर हाल में उसे बचाना है, उसे कुछ नहीं होना चाहिए, गाड़ी तेज चलाओ। आ गया याद मुझे, बताओ। नहीं याद आ रहा मुझे, नहीं नहीं याद आ रहा। कोई बात नहीं, अभी याद आ जाएगा। नहीं, अभी मरना नहीं चाहता हूँ मैं, नहीं मैं मरना नहीं चाहता हूँ अभी, प्लीज तुम मेरे साथ ऐसा मत करो। एलिफ गुरैल, मैं भी कुछ बताना चाहती हूँ। हम दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया है। क्या सच में? ओह खुदाया, ये तो उसी बच्चे का बाप है।